हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। ट्रेन का टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं तो इसके पहले ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। भारतीय रेल देश की लाइफलाइन कही जाती है, जिसमें हर रोज करीब 2 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। भारत में लोगों को ट्रेनों को लेकर कई तरह की शिकायतें रहती हैं, जैसे टिकट कंफर्म न होने को लेकर तो ट्रेन के लेट होने की शिकायत। इनमें आमतौर पर सबसे ज्यादा शिकायत लोगों का ट्रेन की लेट लतीफी को लेकर है। हालिया कुछ महीनों की रिपोर्ट पर गौर करें तो कुछ ट्रेनें तो 30 से 30 घंटे लेट से चल रही हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में जाहिर है लोग अपना टिकट कैंसिल ही करवाएंगे। ऑनलाइन टिकट तो आपने बहुत करवाए होंगे, लेकिन अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय रेल के टिकट कैंसिल कराने के नियम और इसके चार्जेज से वाकिफ नहीं होंगे। तो चलिए आज आपको बताते हैं इसके बारे में। अगर आप ऐसी फर्स्ट क्लास या एग्जीक्यूटिव क्लास के कंफर्म टिकट को ट्रेन चलने के 48 घंटे पहले कैंसिल कराते हैं तो इसके लिए आपको ₹240 कैंसिलेशन चार्ज देने पड़ेंगे। वहीं अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है तो टिकट की पूरी राशि में से ₹240 काट कर बाकी का पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा। अगर आपका टिकट एसी टू टायर फर्स्ट क्लास का है तो उसके लिए ₹200, एसी थ्री टायर या एसी चेयर कार आ एसी इकोनॉमी क्लास है तो उसके लिए ₹180, स्लीपर के लिए ₹120 और सेकंड क्लास के लिए ₹60 कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। अगर आप किसी भी श्रेणी के कंफर्म टिकट को ट्रेन छूटने के 48 घंटे से 12 घंटे के बीच कैंसिल कराते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज टिकट की कुल राशि का 25% लगता है। इसका मतलब है कि अगर आपका टिकट ₹100 का है तो ₹25 उसका कैंसिलेशन चार्ज होगा। वहीं अगर ट्रेन छूटने के 12 घंटे से 4 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराया जाता है तो टिकट की कुल राशि का 50% बतौर कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। आपको मालूम होगा कि चार्ट बनने के बाद ई टिकट कैंसिल नहीं किए जा सकता है। ऐसी स्थिति में यात्री को TDR फाइल करना होता है। अगर कंफर्म टिकट है और ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं किया गया या TDR नहीं फाइल की गई तो कोई भी राशि वापस नहीं होगी। यानी कि टिकट का सारा पैसा डूब जाएगा। अगर आप RSC टिकट को ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले कैंसिल नहीं कराते हैं तो कोई भी चार्ज वापस नहीं होगा। वहीं अगर वेटिंग ई टिकट है तो उसे कैंसिल कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ई टिकट कंफर्म नहीं होने की स्थिति में खुद ही कैंसिल कर दिया जाता है और आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। वहीं अगर आपने काउंटर से टिकट लिया है तो वेटिंग RSC टिकट कैंसिल कराने पर ₹0 का कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। अगर कोई ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन छूटने के 3 दिन तक में टिकट कैंसिल कराया जाता है तो पूरा पैसा वापस हो जाएगा।